हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो भाई? मस्त रहो, चिल रहो। तो ये आपको एक डॉग दिखा रहा हूँ, पिटबुल है। और मोस्ट मेरे ख्याल से अगर आपको पता हो कौन सी ब्रीड है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। जब मैं अपने डॉग्स के लिए फूड लेने के लिए जा रहा था, चिकन ऑलमोस्ट, तो ये इस डॉग्स को कोई बैठा के लेके आ रहा था स्कूटी में, मैंने देखा था भाई। और जब मैं वापस रिटर्न आया तो ये देख रहा था मैं कि रास्ते पर ओपन ऐसे ही घूम रहा है, कोई इसके आसपास नहीं है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है ओनर इसको छोड़ के चला गया है। भैया जब बस की नहीं होता है पालना नहीं चाहिए डॉग। अगर आपकी औकात हैसियत नहीं है किसी की भी मस्कुलर ब्रीड्स को रखने की तो मत रखिए इसको। इन ब्रीड्स को रखना इतना आसान नहीं होता है। इनके लिए आपके पास पैसा और प्लस स्पेस, इन दो चीज़ की रिक्वायरमेंट इनके लिए हरदम रहती है, हरदम ध्यान रखें। तो अदरवाइज़ अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, स्पेस नहीं है, आप टाइम नहीं दे सकते हो, प्लीज़ हैवी ब्रीड मस्कुलर ब्रीड्स को आप कोई भी बाय मत कीजिए। कोई भी डॉग पालने से पहले अपने बारे में पता कर लीजिए कि आप खुद इस ब्रीड को रख सकते हैं। डॉग्स के बारे में पता कर लीजिए कि आप बड़ा होने के बाद उसके साथ सर्वाइव कर सकते हो या नहीं, जब भी हरदम ब्रीड्स को पाला कीजिए। आजकल क्या दूसरे को देख के हरदम कोई ना कोई डॉग खरीद लेता है, कोई भी हरदम दूसरे को देख के खरीदता, अपनी औकात देखता नहीं है, बट दूसरे को देख के वो खुद बाय करने की कोशिश करता है कि कहीं से मिल जाए। आपको बता दो जितनी मस्कुलर ब्रीड्स हैं फ्री के भाव मिलती हैं, हर कोई इनको सेल आउट करना चाहता है क्योंकि दिल्ली एनसीआर के जैसे एरियो में इनको कोई भी पालना पसंद नहीं करता है। पालते हैं तो गांव देहात में ही पालते हैं, जिनकी बचकी नहीं होता है बाद में वो इनको रास्ते पे छोड़ देते हैं या फिर दे देते हैं। तो हरदम ध्यान रखिए आप यार, मस्कुलर ब्रीड जब भी रख रहे हो तो उसका आप अपना एनालाइज कर लीजिए कि आप पाल पाते हो या नहीं पाल पाते हो। आपको जिसको बुरा लगे लगे यार, घंटा अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट हरदम ध्यान रखिए, आप मस्कुलर ब्रीड पाल रहे हो तो आपके पास स्पेस की रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए, आप उसको अच्छा खासा टाइम दे सकते हो। जब भी एकदम मस्कुलर ब्रीड्स को आप बाय कीजिए क्योंकि ये काफ़ी वर्किंग लाइन डॉग्स, काफ़ी हाई स्टेमिनास के डॉग्स होते हैं, तो इनकी आपको एनर्जी निकालनी पड़ेगी। अभी देख रही मैंने इसको बुलाया था अपने पास तो ये मेरे पास आ गया था, वो कुछ नुकसान भी नहीं पहुँचा रहा था क्योंकि अभी खुद डरा हुआ है, क्योंकि अननोन जगह में कोई भी चला जाएगा तो वो खुद डरेगा। तो आपसे प्लीज़ हर किसी से रिक्वेस्ट है, आपको जब भी डॉग बाय करना है पहले आप अपना देख लीजिए, आप उसको टाइम दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग हरदम डॉग्स को बाय किया कीजिए प्लीज़। अदरवाइज ऐसे मत छोड़ा कीजिए। अगर आप पाल नहीं पाते हो तो यार किसी को अडॉप्ट करवा सकते हो, आप किसी को दे सकते हो, ऐसे फैमिली ढूंढ सकते हो किसी डॉग के लिए, अपने डॉग्स के लिए, कि जो इसकी अच्छे से केयरिंग कर ले। चलो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।